Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओलंपियाड प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर सेंस से क्लास थर्ड के लिए. इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओलंपियाड एग्जाम में क्लास थर्ड में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं. आपसे मैं क्लास थर्ड के चैप्टर वाइज आपको ओलंपियाड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. नेहा हैड ए कलेक्शन ऑफ 948 स्टिकर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर नेम फॉर 948. इसको हम क्या लिखेंगे. ए 94 डिजिट, बी 908, सी 940 एंड डी 948. तो करेक्ट वे है इसके लिखने का. आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 948. नंबर टू. विच ऑफ द फॉलोइंग सो करेक्ट नंबर नेम ऑफ मिस्टर शर्मा हाउस नंबर. मिस्टर शर्मा हाउस नंबर इज 9521. तो इसके करेक्ट ऑप्शन देखेंगे किस प्रकार लिखना है. 5021, 900, 9500 एंड 21, 9501, 9521. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इसे हमें अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स क्या होते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं. सो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है. 982, 985, 989, फिर 789. ये डिक्रीज हो जा रहा है. फिर इसको देख लेते हैं 1920, 1902. ये ज़्यादा नंबर है, उससे कम हो रहा है. फिर सी में देख लेते हैं 9876, 9768, 9678, 8976 and 8796 and 6879. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन. तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी. डी में हम देख रहे हैं, ये सी को हटा देंगे. डी हो रहा है, देखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं. 1920, फिर 9000 हो रहे हैं, फिर 9300, 9400, 9700. इस प्रकार ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा की ओर हो रहे हैं. तो ये हो जाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. इन द नंबर सीक्वेंस 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36. तो इज द 24th टर्म ऑड या इवन. ये अगर नंबर का सीक्वेंस है तो 24th नंबर ऑड होगा या इवन होगा. ऑप्शन ए ऑड, ऑप्शन बी इवन. चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं. 1, 4, 9, 16, 25, 36. तो 1 हो रहा ऑड, 4 इवन, 9 ऑड, 16 इवन, 25 ऑड एंड 36 इवन. तो द नंबर इज इवन व्हेन इट इज इवन पोजीशन पे हो रहा है एंड नंबर इज ऑड व्हेन इट ऑड पोजीशन पे है. सो तो 24th इज इवन नंबर, सो हेंस पोजीशन भी क्या हो जाएगा, इवन पोजीशन पे हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट नंबर फोर. हाउ मेनी वे आर देयर टू गिव 12 एप्पल टू 3 चिल्ड्रन सो दैट ईच चाइल्ड विल गेट एन इवन नंबर ऑफ एप्पल्स. अगर 12 एप्पल्स को 3 चिल्ड्रंस में हमें बांटना है और नंबर हमारा इवन नंबर्स ऑफ एप्पल्स उन्हें मिलना चाहिए, तो कितने एप्पल्स, कितने तरीके से उसे हम डिवाइड कर सकते हैं. ऑप्शन ए 4, बी 6, 3 सी, डी 5. चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं. इफ 8+2+2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं 6+4+2 12 एंड 4+4+4 12. यानी 3 वे रूप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो देयर आर 3 वे टू गिव द एप्पल्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. नंबर 6. इन हाउ मेनी वे कैन यू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3, 4 एंड 5 वंस इन ईच कॉम्बिनेशन.
इन तीन नंबर को कॉम्बिनेशन करके कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, सिक्स नंबर्स, फाइव नंबर्स, सेवन नंबर या फोर नंबर। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 345, 354, 435, 453, 534 एंड 543। देयर आर सिक्स पॉसिबल वे टू फॉर्म थ्री डिजिट नंबर। तो सिक्स पॉसिबल वे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सिक्स। नंबर सेवन, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर टू डेट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 7065 विदाउट रिपीटिंग टू डिजिट इज। ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है फोर डिजिट नंबर से, और किसी भी नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है, तो वो नंबर कौन सा होगा ये हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, सबसे बड़ा नंबर है 7650 या 7650, ये सबसे बड़ा नंबर हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द टू। इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन है जो लार्जेस्ट प्लेस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 7295 एंड 7255, तो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड पोजिशन पर सेम डिजिट है, तो हेंस टेंथ प्लेस डिटरमाइन द लार्जर ऑफ टू नंबर्स बिकॉज बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट एट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी टेंथ पोजिशन। नंबर नाइन, 6935 is same and इसको अलग सेम तरीके से किस तरह लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 930 प्लस 5 690 प्लस 30 प्लस 5, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6930 प्लस 5, ऑप्शन सी। टू गिवन चार्ट सो द नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस ऑन ए फॉर्म इन द फर्स्ट फाइव मंथ ऑफ द ईयर। एक चार्ट दिया गया है जिसमें हर महीने में फॉर्म में कितने एग प्रोड्यूस हो रहे हैं ये लिखा गया है। जनवरी में 5961, फरवरी में 4228, मार्च में 5879, अप्रैल में 4907 एंड मई में 5164। तो हमें निकालना है कि विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस अप्रैल वर लेस देन फरवरी, अप्रैल में फरवरी से कम हो रहा है, तो अप्रैल में 499 और फरवरी में 428, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है द नंबर्स ऑफ एग प्रोड्यूस मे वर लेस देन मार्च। तो यहाँ देखते हैं मार्च में है हमारा 5879 एंड मई में है 5164, तो दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम में क्लास थर्ड में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सेंस ऑप्शन से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सेंस से पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो पे इसी प्रकार बने रहें और नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट में लेकर आ रही हूँ, उसे आप सॉल्व करवाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।